एक मरीज दूसरे मरीज को सही कर रहा भाई, देखो वरना ये अभी बढ़ाते एक 30 से 8 आते कम से कम। चलते हैं, आज अपना बैक वर्कआउट है, दोपहर हो चुकी है यार। 2 दिन तो मतलब शाम को ही वर्कआउट कर लिया, तो सोचा आज तीसरा दिन है, आज भी कर ही लेते, क्या दिक्कत है। और बैक वर्कआउट है तो डेडलिफ्ट लेनी थी आज, तो सोचा यार जब तक बॉडी रेस्ट नहीं होगी ना, तो भाई ज़बरदस्ती जाके वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी चलते हैं, चल के करेंगे अपना बैक वर्कआउट। और उससे पहले ये बता दें कि खाना खा चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हारा भाई बना रहा है एक शेक, ठीक है। उस शेक को देख लो पहले, कौन सा शेक है वो, उसको पी के, आज वो प्री वर्कआउट है तो उसको पी के फिर चलेंगे जिम। चलो देखो, तो भाई इसमें आधा आम डाला है, ठीक है, और ये बनाना पड़ा हुआ है और दूध है। इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है, चीनी बिल्कुल नहीं डाली है, जो है सिर्फ यही है नेचुरल बिल्कुल, ठीक है। और शुगर अवॉइड किया करो भाई, अननेसेसरी मत पिया करो, मतलब अब बाहर जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के कोशिश करो कि अवॉइड ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा मत पियो, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं भाई, शेक हो गया रेडी, इसको पीते हैं और फिर चलेंगे जिम। और इसको पी के मतलब तुरंत जिम नहीं चलेंगे, लगभग 10 मिनट बाद चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो जाए। भाई यार बहुत गर्मी हो रही, भाई कैसे करेंगे भाई जिम, आ तो कहीं ये देखो सूरज पड़ा ना सामने, समझ में आ रहा हो कितनी गर्मी हो रही है। ओ भाई साहब, भाई क्या फ़ायदा है ऐसा पानी बरसने का, वापस धूप हो गई, पसीना देखो कैसे आ रहा है, अभी कुछ किया भी नहीं है, ऊपर जा रहे हैं वापस। चलो देखते हैं कैसी होती डेड लिफ्ट आज, रेपिटेशन करना है, तगड़े से करेंगे। हो गया फ्रंट रिंग मींस अल्टरनेट, भाई रुकना भाई भाई, भाई 125 से आए 10 रैप, और ये पीछे जो भाग रहा है ना, ये इसको देख लो, ये इसने वीडियो बनाई है भाई, ठीक है, और वीडियो भाई काट दी, उसमें वेट ही नहीं दिखा रहा, और वेट क्या बताया, मतलब भाई 125 लगा हुआ था उसमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो ऊपर आ रहा है वेट तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरे ये बैठे जिम नहीं करने दे रहे हैं, तू रोकेगा, चल जा रोक ले बेटा। और भाई अपना आर्यन बिल्कुल सही है, आराम से कहता है जिम करो भाई, बहुत गर्मी हो रही, वरना ये अभी बढ़ाते एक 30 से 8 आते कम से कम, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि मन नहीं कर रहा मारने का। भाई दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है, 3 बार रोइंग लेने जा रहे हो, उसको देख लो, उसके बाद कुछ सूट नहीं करेंगे यार, बहुत गर्मी हो रही है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ घर चलेंगे और फिर बताएंगे यार डेडलिफ्ट की टेक्निक, और एक और चीज़ कि भाई लिफ्ट हैवी कैसे करनी है, ठीक है। भाई 3 एक्सरसाइज करिए सिर्फ, 3, भाई सब नहीं कर रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और भाई देखो जय भाई टहलने पीछे, बहुत गर्मी है भाई, जय भाई, भाई साहब दिखा दो भाई साहब, अरे तो भाई देख रहे हो हमसे ज़्यादा है कि नहीं बताओ, कमेंट कर देना नीचे अगर हमसे ज़्यादा है तो, मेरी देख लो। एक मरीज दूसरे मरीज को सही कर रहा भाई, देखो अनिकेत, एक हार्ट का मरीज दूसरे मरीज को ठीक कर रहा, देखो एक हार्ट का मरीज दूसरे मरीज को ठीक कर रहा है, सही बात है भाई, अगर दिलदारी हो तो ऐसी हो, वरना हो ना, क्या बोलते हो बताओ विशाल भाई, सही कह रहे कि नहीं, दिलदारी हो तो ऐसी हो भाई, लपेट भी रहा देखो, हम लोग नीचे लिंक दे रहे, फंड रेज करना है इनका, घर से जल्द इलाज होगा।
जल्दी से जल्दी भाई, ठीक है और भाई भाई बहुत लड़ाई लपेटी है भाई ने, देखो बहुत मन चौहे कर रहे हैं, लपेटी है लपेटी भाई हंसता रहता, कुछ बोलता नहीं है कुछ भी, वो हाथ पैर चला दे लेकिन बोलेगा नहीं भाई अपना भाई, दो सब बोल दे यार, भाई तीन है दो सब दिखा, जय भारत जल्दी बोलो, दो सब जल्दी बोलो, भाई कितने गोरे लग रहे, मुंह में डम्बल लगाओ एक बार, लगाओ तो एक बार लगाओ, अभी एक बार लगाओ, पहले लगा लगा चुके हो एक बार, मैंने बताया अभी एक बार लगाओ तो बंद करो यार, अच्छा एक बार लगाओ भाई, एक बार लगाओ, वाला मीम देखा है, चलो उतरो, नहीं नहीं तो भाई आ चुके हैं घर, और लास्ट में थोड़ा सा मतलब मजाक कर लिया अपने नवीन भाई के साथ, हार्ट का इशू है जिसके साथ, तो घर आ गए और ये खा रहे हैं आम, ठीक है। अब बताते हैं डेड लिफ्ट की टेक्निक और आप कैसे लिफ्ट हैवी कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप ना हर हफ्ते जाके या हर दूसरे तीसरे दिन जाके अपनी लिफ्ट चेक करना छोड़ दो। ये आदत जो होती है ना लोगों की कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन जाके पीआर चेक करते हैं, भाई ऐसे नहीं लिफ्ट बढ़ती है। अगर देखो हफ्ते में दो बार लेते हो, चार हफ्ते हो गए, ठीक है, महीने में एक महीने में चार हफ्ते हो गए, चार दुनी आठ, आठ सेशन लेने हैं आपको। अब वो आठ सेशन डिसाइड करो कि कैसे लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले जितना पीआर है फर्स्ट हफ्ते में आप यहाँ से स्टार्ट करो कि जितना आपका पीआर है उसका आधा वेट, आधे से 10% ज़्यादा, मतलब कि 60% वेट लगाओ और उससे जाने 15 रैप आपको, कम से कम 15 रैप, ठीक है। तीन सेट 15 रैप सेम वेट से, ठीक है। अगर सेम वेट नहीं जाता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो वेट बढ़ा दो, कम नहीं करना है, या रैप कम कर दो और उसके बाद बढ़ा दो। जैसे कि पहले सेट लिया आपने उसमें 12 रैप लिए, फिर 14 लिए, फिर 16 लिए, इस तरह से कर सकते हो। या फिर आपने मान लो लगाया 110 केजी, 120 केजी, ठीक है, फिर 125 केजी, इस तरह से कम नहीं करना है। पहले हफ्ते ये चला, अगर आप हफ्ते में दो दिन ले रहे हो तो, अगर हफ्ते में दो दिन नहीं ले रहे हो तो 70% पे आ जाओ, ठीक है। महीना भर ये करो, उसके बाद अगले महीने जाके एक बार अपना पीआर चेक करो, फिर इसी चीज़ पे आ जाओ। लेकिन अब इस पे इंटेंसिटी कैसे बढ़ानी है, एक महीना हुआ पीआर चेक कर लिया, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पीआर चेक करने के बाद अब इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ानी है, वॉल्यूम कम कर देना है। अब जैसे 15 रैप ले रहे थे तो 15 रैप नहीं, 8-9 रैप पे आ जाओ, और अब आपको लगाने हैं कम से कम 80% वेट जो आपका पीआर है। जैसे कि मान लो 150 पीआर है तो आपको लगाना है लगभग 130-135, ठीक है। अब उससे लेने 8 रैप, 7-8 रैप तीनों सेट में। तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करो, लेकिन भाई सबसे पहली चीज़ है कि पेशेंस रखो। बिना पेशेंस के ये नहीं, हर दूसरे दिन आए तीसरे दिन आए आके लिफ्ट चेक कर रहे हो, हैवी मार रहे हो, लिफ्ट बढ़ जाएगी, घंटा लिफ्ट नहीं बढ़ेगी भाई, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अभी आम खाते हैं और जा रहे हैं नहाने क्योंकि गर्मी बहुत है।